17 मई को यूपी कैबिनेट ने मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने का प्रस्ताव दिया था, जिसको अभी अभी यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यानी हेमंत विश्व शर्मा के बाद योगी दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो मदरसों का अनुदान पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। इस पे आपकी त्वरित टिप्पणी क्या होगी? देखिए, त्वरित टिप्पणी तो खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए, और ये तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये अनसेक्युलर है, ये तो पूरा सेक्युलर है। हाँ, क्योंकि सेक्युलर ये कहता है कि आपको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, और इस तरह से भी जो आधुनिक शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जा रही है वो सेक्युलर कैसे हुआ, तो इसलिए उसको अनुदान नहीं मिलना चाहिए, आप किसी भी तरफ से देखिए। लेकिन हाँ, आपने साथ ही साथ हिमंत बिश्व शर्मा का भी नाम लिया, उसमें मैं ये जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि ये एक ऐसे नेता है, ये उस प्रकार के नेता नहीं है जैसे कि तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए थे बंगाल में, ये तो कांग्रेस से आए हैं ना, लेकिन इनका आप पूरा इतिहास, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये हमेशा से हिंदूवादी रहे हैं। ये जब कांग्रेस में थे तब भी वो हिंदूवादी थे, और अब आप योगी आदित्यनाथ को भी देखें तो वो संघी प्रचारक नहीं थे कभी, वो नहीं, स्वयं सेवक भी नहीं थे, उनका तो अलग मठ था, गोरखनाथ का मठ। तो इसलिए उनके अंदर जो हिंदुत्व है वो बहुत सुदृढ़ है, वो किसी संगठन के द्वारा ट्रेनिंग से अर्जित नहीं हुई है, वो उनकी मूल शिक्षा है, और मूल शिक्षा होने के कारण आप उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।